किंतु प्रभु, यदि देवी अलक्ष्मी के बारे में कुछ भी ज्ञात हो जाता तो अवश्य ही उनसे बचाव का कोई मार्ग मिल जाता। तो सुनो वत्स, जब देव और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तब विष और अमृत के अतिरिक्त समुद्र के गर्भ से दो और कलश प्राप्त हुए, एक स्वर्ण और दूसरा मिट्टी का। स्वर्ण कलश में देवी लक्ष्मी थी और मिट्टी के कलश में देवी अलक्ष्मी का वास था। जब सभी देवताओं को ज्ञात हुआ कि दरिद्रता की देवी अलक्ष्मी उस मिट्टी के कलश में है तो सब भयभीत हो उठे और अलक्ष्मी से छुटकारा पाने के लिए वो देवराज इंद्र के समक्ष पहुंचे। तब देवराज इंद्र ने सभी देवताओं को अलक्ष्मी से छुटकारा दिलाने का वचन दिया और उस मिट्टी के कलश जिसमें अलक्ष्मी थी उसे लेकर एक वन में चले गए। ये निर्जन स्थान सुरक्षित है जहां मैं इस कलश को भूमि के भीतर दबा सकता हूं। यहां किसी की भी दृष्टि इस कलश पर नहीं पड़ेगी जिसमें अलक्ष्मी बंद है। अब दरिद्रता की देवी इस भूमि में बंद है, अतः संकट समाप्त हुआ। इस पोटली में इतना धन तो है कि अब मुझे कदाचित पुनः चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े, किंतु अगर यह पोटली किसी की दृष्टि में आ गई तो मेरा धन छिन भी सकता है, अतः मुझे इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाना होगा। अरे, ये मिट्टी का कलश यहाँ कौन छिपा के गया? अवश्य ही मेरे जैसा कोई दस्यु होगा जो अपने चुराए हुए धन को इस कलश में डालकर यहाँ मिट्टी के नीचे गाड़ के चला गया। किंतु अब ये धन भी मेरा है। अब शीघ्र ही मेरी कुदृष्टि से दूर हो जा, अन्यथा तेरा ये शरीर राख हो जाएगा। अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब समस्त संसार को दरिद्र बना दूंगी मैं।
तुम अब इस धरती पर नहीं रह सकती देवी या लक्ष्मी। तो फिर आप ही कहिए कि मैं कहाँ रहूं? समुद्र देव के गर्भ में मैं सहस्त्र वर्षों से विश्राम कर रही थी, जहां से मुझे देवताओं ने खींच कर बाहर निकाला, और फिर देवताओं ने धनलक्ष्मी को तो शीश में बिठा दिया और मुझे दुत्कार कर धरती के भीतर दबा दिया। तुम्हें भूमि के भीतर दबाना देवताओं की विवशता थी देवी अलक्ष्मी, क्योंकि तुम एक दरिद्रता और रोग की देवी हो। यदि तुम्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता तो समस्त संसार दरिद्र और रोगी हो जाता। समस्त संसार तो अब भी दरिद्र होने वाला है, क्योंकि अब मैं अपने घोर अपमान का प्रतिशोध लूंगी। अब धरती के हर स्थान पर दरिद्रता और रोग का साम्राज्य होगा। अब कोई भी धन लक्ष्मी को महत्व नहीं देगा, जिसे देवताओं का सम्मान प्राप्त हुआ है। किंतु मैं तुम्हें धरती पर कदापि नहीं रहने दूंगा देवी अलक्ष्मी, क्योंकि मैं तुम्हारे कोप का दंड पृथ्वीवासियों को नहीं भुगतने दे सकता। अतः मैं तुम्हें अपनी शक्ति से शीघ्र पाताल लोक भेज रहा हूं, ताकि ये निर्दोष जगत चैन से रह सके। ये आपने क्या किया देव? मुझे बांध कर विवश कर दिया। क्या धरती लोक पर मेरा आगमन नहीं हो पाएगा? होगा, अवश्य होगा। यदि पाताल लोक में किसी ने भी भूल से भी तुम्हारी पूजा अर्चना की तो तुम धरती पर प्रकट हो जाओगी। अब जाओ और जाकर पाताल लोक में समाधिस्थ हो जाओ। अब ना कोई अलक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजेगा और ना उसका पाताल से धरती पर पुनः आगमन होगा। ब्रह्मदेव को यह ज्ञात था कि कोई भी प्राणी दरिद्र देवी की पाताल में जाकर उसकी पूजा नहीं करेगा और सदा सदा उसे पाताल लोक में ही बंदी रहना पड़ेगा। अतः इसी विचार से उन्होंने उसे वर दिया कि यदि कोई उसकी पूजा करेगा तो वो पृथ्वी लोक पर पुनः आ जाएगी। और लंकेश रावण ने ब्रह्मदेव के इस वरदान को खंडित करते हुए देवी अलक्ष्मी को पुनः जागृत कर दिया है।